कहीं ना कहीं हम सभी के दिल में छुपा हुआ है सैमसंग के लिए एक रेस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार। अब बहुत दिन से सैमसंग को लेकर बहुत ही हाइप मचा हुआ था और ये सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के लिए था। अभी एट लास्ट कल ही सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज का दो फोन, एक तो सैमसंग गैलेक्सी M10 और दूसरा M20। अभी M10 के लिए मेरा कुछ भी वर्ड्स नहीं है क्योंकि उतना भी खास नहीं है दोस्त। हाँ, M20 पहली बार अग्रेसिव प्राइस के साथ और आपको अग्रेसिव स्पेक्स भी मिल रहा है, वो भी सैमसंग की तरफ से, ये सोचने का बात है। पर वही हर एक फोन में प्रोज एंड कॉन्स तो रहता ही है। अभी सैमसंग का जो गैलेक्सी M20 है ये फोन तो काफी अच्छा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, पर प्रोज ज्यादा है कॉन्स भी तो है। अगर आप खरीदना चाहते हो अभी सैमसंग गैलेक्सी M20 तो ये वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए क्योंकि यहां पे मैं प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया हूं, साथ में कुछ कॉन्स के बारे में बताया हूं सैमसंग गैलेक्सी M20 का। अगर आप डिसाइड कर चुके हो आप खरीदोगे तो थोड़ा सा समय निकल के ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा कॉन्स और प्रॉब्लम्स के बारे में आपको ये नॉलेज आ जाएगा क्या है सैमसंग गैलेक्सी M20 में। तो वीडियो आखिर तक देखते रहिए। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। दैट बीइंग सेड, चलुन करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। अब देखिए सच बात क्या है, ये जो Asus ZenFone Max Pro M2 आप देख रहे हो, ये जो आपको मिलता है स्टार्टिंग पॉइंट 12,999 पे, जो 3GB और 32GB वाला वेरिएंट अच्छा है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है, 660 मिलता है। पर इससे पहले आपके लिए कोई चॉइस नहीं था, पर अभी के लिए आपके पास एक चॉइस है और वो है सैमसंग गैलेक्सी M20। अभी 28 जनवरी को ये लॉन्च हो गया है भारत में। चलिए देख लेते पहले प्राइस, जो सैमसंग गैलेक्सी M20 का बेस वेरिएंट है यानी जो 3GB और 32GB वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस 10,990 रुपीज, काफी अच्छा है और काबिले तारीफ है। और जो दूसरा वेरिएंट जो 4GB और 64GB वो आपको मिल जाएगा 12,990 रुपीज में, यानी ये टक्कर का रहने वाला है जो Asus ZenFone Max Pro M2 है इसके साथ। अब इस फोन में आपको काफी अच्छा प्रोज मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M20 में, खैर वो तो आपको पता है और मैं भी इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। पर जो कॉन्स, अब आप कहोगे सर आपके पास तो फोन ही नहीं है, भाई नहीं मिला है पर स्पेक्स तो मेरे पास हैं और ये फोन भी तो मैं यूज कर रहा हूं ZenFone Max Pro M2, पता है कौन सा प्रोसेसर कैसा है, साथ में ये फोन भी 5th February से सेल में आ जाएगा Amazon पे, भाई खरीद लूंगा और खुद के पैसे से खरीदता हूं ना तो आपको अनबायस रिव्यू भी मिल जाएगा और तब तो आपको डायरेक्ट Asus ZenFone Max Pro M2 के साथ उसका यानी सैमसंग गैलेक्सी M20 का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दे दूंगा और जो कॉन्स लगेगा तब आपको प्रैक्टिकली दे दूंगा, पर अभी अकॉर्डिंग टू द स्पेक्स। अब आप में से बहुत सारे सैमसंग लवर्स होंगे जो मेरे साथ अग्री नहीं होंगे, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक ठोकिएगा, अगर आपको सही में लग रहा है हाँ ये बंदा एकदम सही कह रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जो सैमसंग गैलेक्सी M20 है ये मैं प्राइस के हिसाब से आपको कहूंगा आज के दौर में 2019 में क्या होना चाहिए था क्या नहीं है, क्या सैमसंग को देना चाहिए था। पहला कॉन्स, अभी 2019 पे सैमसंग आपको प्रोवाइड कर रहा है 6.3 इंचेस का डिस्प्ले, काफी अच्छा है फुल व्यू डिस्प्ले, वो भी अच्छा है 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले, वो भी तो अच्छा है, वो जो सैमसंग का फैशनेबल नेम है ना इंफिनिटी वी डिस्प्ले, असल में ये वाटर ड्रॉप नॉच है, थोड़ा सा आपको वाटर ड्रॉप मिलता है और हाँ इसका बेजल भी बहुत ही लेस है, तो यहां पे आपको 409 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। पर यहां पे जो मुझे अच्छा नहीं लगा, अब तक तो ठीक था, जो ठीक नहीं है वो यहां पे आपको PLS TFT डिस्प्ले मिलता है, जरा गौर कीजिएगा PLS TFT डिस्प्ले। अब एट द एंड ऑफ 2018 और एट द बिगिनिंग ऑफ 2019 अभी भी आपको सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है TFT डिस्प्ले, TFT ये मुझे खास नहीं लगा। अब आपके ऊपर, क्या आपको ये लगता है
टेप्ड डिस्प्ले यहां पे सैमसंग दे के अच्छा किया। हाँ ये तो मानता हूं इसका डिस्प्ले काफी अच्छा होगा, व्यूइंग एंगल्स अच्छा होगा, साथ में ट्रू टू लाइफ पिक्चर आपको प्रोवाइड करेगा। फिर भी TFT IPS थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम होता है। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में एटलीस्ट सैमसंग आपको IPS देना चाहिए था। अब आपका कमेंट्स। नंबर टू, अब देखिए ना इस प्राइस में आपको पहली बार Asus ZenFone Max Pro M2 में मिलता है Corning Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन, खैर काफी अच्छा है। अभी आपको सैमसंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा ही ड्रैगन टेल प्रोटेक्शन। अब अगर आप कंपेयर करोगे इसके साथ, यानी गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ टिक भी नहीं सकता है, ये तो आप भी जानते हो। अभी मैं अगर कहूं आपको कि भाई एक्सिनोस प्रोसेसर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, तो टिक भी नहीं सकता है, एक्सिनोस एक्सिनोस है और क्वालकॉम क्वालकॉम है। वैसे ही आपको गोरिल्ला ग्लास 6 तो छोड़िए, गोरिल्ला ग्लास 3 भी नहीं मिलता है, और वही रियलमी C1 जो आपको 7,500 में प्रोवाइड करा है Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन, ये सोचने वाला बात है। अब फोन मेरे पास आएगा, खरीद लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा स्क्रैच आता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है इंडियन कंज्यूमर के लिए। काफी अच्छा डिस्प्ले है पर प्रोटेक्शन देना चाहिए था, और Gorilla Glass की तरफ से ऐसा ही ड्रैगन टेल नहीं तो हर एक छोटा ब्रांड देता है। चलिए अब तीसरा, अब Samsung Galaxy M20 में आपको नॉच तो मिलता है पर वहीं आपको नोटिफिकेशन एलईडी लाइट नहीं मिलता है। अब देखिए मैं अगर यहां पे ऑनर का बात करूं तो यहां पे आपको हर एक फोन में, चाहे वो वाटर ड्रॉप नॉच हो या छोटा सा नॉच हो, वो नॉच का इस्तेमाल काफी बढ़िया तरीके से करता है और आपको नोटिफिकेशन एलईडी लाइट भी प्रोवाइड करता है। अब रिसेंटली देखिए ना, जो Redmi Note 7 आएगा, Note 7 Pro आएगा, हर एक में आपको नोटिफिकेशन एलईडी लाइट देखने को मिलेगा, साथ में वाटर ड्रॉप नॉच। खैर Infinity V यानी ये तो फैशनेबल नेम है पर नोटिफिकेशन एलईडी लाइट नहीं है, ये काफी काफी दुविधाजनक होता है एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि अगर कोई मुझसे छूट जाए कॉल, कोई छूट जाए SMS या मैसेज या मेल या व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, भाई बार बार फोन को ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन एलईडी लाइट जरूर देना चाहिए था। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कहोगे भाई नोटिफिकेशन एलईडी के लिए तुम इतने साउट कर रहे हो, भाई ये भी तो चाहिए ना आज के दिन में, अगर नहीं होता तो ब्रांड्स क्यों प्रोवाइड करता। तो आप जरा कमेंट्स करके जरूर बताइए मेरा सोच यहां पे सही है या गलत। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो आप कहेंगे हुजूर वो मैं अग्री करूंगा। चलिए अब और एक कॉन्स मिला है मुझे उस फोन में, यानी गैलेक्सी M20 में। मैं बार बार ये कह रहा हूं सैमसंग की तरफ से पहली बार आपको इस एग्रेसिव प्राइस में इतना अच्छा चेंजेस मिल रहा है, वो काफी अच्छा है, अच्छा दिन आने वाला है। हाँ फोन में, स्मार्टफोन में भी अच्छा दिन आने वाला है, इसलिए तो सैमसंग आपको ये प्रोवाइड करना है, पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूरी है। अभी सैमसंग गैलेक्सी M20 में कैमरा आपको जबरदस्त मिलता है, वही आपको 13 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा मिलेगा f1.9 अपर्चर के साथ, साथ में आपको जो दूसरा कैमरा मिलेगा वो 5 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ, काफी अच्छा है। पर जो मुझे नहीं अच्छा लगा, भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपने क्यों मिस किया? अगर मैं कहता कि भाई प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है पर प्रोसेसर तो सपोर्ट करता है, जैसे जो 10794 यहां पे यूज किया गया है, ये लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये 14 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है, भाई ये तो 4K को सपोर्ट करता है। इतना कॉस्ट कटिंग आज के दुनिया में, आज के लाइफ में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही जरूरी है। आपको ये नहीं लगता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देना चाहिए था सैमसंग को? पर रिकॉर्डिंग आपको फुल HD में मिलता है, अच्छा है इस प्राइस में, पर इस प्राइस में भी हमें देखना चाहिए और भी बहुत सारा ब्रांड्स लगभग आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है, अगर ये होता तो अच्छा होता, खैर नहीं है पर कौनस तो कौन से है। अब देखिए ना ये वीडियो चलता रहेगा, मेरा बातें करने का स्टाइल और सिलसिला भी चलता रहेगा, पर इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरे चैनल पे बहुत जल्द एक गिव अवे आने वाला है और वो यहां पे आप देख सकते हो। आप जहां पे Asus ZenFone Max Pro M2 ब्लू कलर वेरिएंट आप जीत सकते हो, साथ में Realme का ईयरबड्स जीत सकते हो, साथ में आप Patreon की तरफ से Tangent Pro वायरलेस नेक बैंड जीत सकते हो और Impao की तरफ से एक PC गेमिंग हेडसेट जीत सकते हो। अब आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुमन को सपोर्ट करना होगा।
अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा। इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट यूं ही मिलता रहेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो सही में आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट बनता है दोस्त। तो चलिए, अब इस फोन में आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अभी इस प्राइस में क्या 8 मेगापिक्सल आपको कोई ब्रांड दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल होना चाहिए था। पर यहां पे मैं ये भी कहता हूं साइड बाय साइड, सैमसंग का कैमरा जबरदस्त होता है। जो ऑन पेपर है वही आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। हाँ, देना चाहिए था एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल। साथ में यहां पे जो आपको लाइव फोकस मिलता है वो फेस को फोकस करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। खैर, डिटेल कैमरा कंपैरिजन और डिटेल रिव्यू तो आ जाएगा। अभी जो आपको और एक बात मुझे कहना है, इसमें आपको इन डिस्प्ले मिलता है, आपको 120 डिग्री एंगल वाइड एंगल लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। खैर, ये थोड़ा सा फ्रेम को बड़ा कर देगा, ये काफी अच्छा है। तो कौन होता है, 4K नहीं मिलता है। अब इसमें आपको इमेज स्टेबिलाइजेशन भी नहीं देखने को मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन EIS। भाई, अब तो हर एक फोन दे रहा है, एटलीस्ट आप देखोगे जो Asus ZenFone Max Pro M2 है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी आपको EIS मिलता है। ये मिसिंग है। फ्रंट कैमरा में आप ब्रांड हो, बढ़िया ब्रांड हो, फ्रंट कैमरा में नहीं दिए हो ठीक है, पर रियर कैमरा में जरूर देना चाहिए था। कि आपको नहीं लगता है आज के दुनिया में, आज के टाइम में ये EIS होना बहुत जरूरी है? चलिए नेक्स्ट कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। अब सैमसंग गैलेक्सी M20 में जो मुझे और एक प्रॉब्लम लगा, यहां पे आपको USB टाइप सी तो दिया गया है, पर आप जानते हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको जो हार्डवेयर है ना वो सपोर्ट करता है सिर्फ माइक्रो USB 2.0 को। USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग, 3x फास्ट चार्जिंग, आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जर मिलता है आपको, यह सभी अच्छा बात है, पर यहां पे ट्रू USB टाइप सी देना चाहिए था। अब चलिए, जब डिस्प्ले तो हो गया जबरदस्त और बिल्ड क्वालिटी, हम जब फोन खरीदते हैं बिल्ड क्वालिटी भी तो हम देखते हैं। तो यहां पे देखिए, अभी Asus ZenFone Max Pro M2 में आपको मिलता है एक ग्लास बॉडी डिजाइन, ग्लास नहीं है असल में, ये पॉलीकार्बोनेट है, पर देखिए कितना ग्लॉसी है, देखिए और कितना आपको शाइनी फील कराता है। वही आप सैमसंग गैलेक्सी M20 को देखोगे तो वहां पे भी तो पॉलीकार्बोनेट को यूज किया गया है, पर उतना ग्लॉसी नहीं है। और आप जब कंपेयर करोगे ZenFone Max Pro M2 के साथ या ओनर के कोई भी डिवाइस के साथ, आपको थोड़ा सा भाई साइनेस फील होगा, क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं देखने को लगता है सैमसंग गैलेक्सी M20 पीछे से, पर सामने से जबरदस्त। भाई ऑल वेल दैट्स एंड्स वेल। भाई थोड़ा सा आपको पीछे में भी ध्यान देना चाहिए था। अब चलिए, मेरा जो कॉन्स नेक्स्ट कॉन्स है वो है इसका प्रोसेसर। अब आप कहोगे क्या बोल रहे हो यार, गैलेक्सी M20 में जो मिल रहा है 1.07904 लेटेस्ट प्रोसेसर वो तो काफी अच्छा है। अरे भाई, मैं तो ये भी स्वीकार कर रहा हूं, काफी बढ़िया प्रोसेसर है ये, और ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, और ये एंटी लेवल स्मार्टफोन के लिए भी भाई यहां पे सैमसंग इसको प्रोड्यूस किया है। अब ये 40 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पे आपको मिलता है, साथ में ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो आपको यहां पे दो कोर्स देखने को मिलता है, कॉर्टेक्स A73 का, वो तो भाई क्लॉक्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर। साथ में जो आपको हेक्सा कोर यानी 6 कोर्स देखने को मिलता है वो A53 का, यानी कोर्टेक्स A53 का, और वो क्लॉक्ड है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ पर। पर आपको नहीं लगता है कि भाई यहां पे थोड़ा सा कम है क्लॉक स्पीड? अभी जब ZenFone Max Pro M2 आया था ये 1.95 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, होना चाहिए था 2.2, हमने काफी इसका वो बजाया, तो यहां पे थोड़ा सा क्लॉक स्पीड अच्छा देना चाहिए था। अभी ये जब आएगा गेमिंग स्पीड करके आपको दिखाऊंगा, पर बहुत ही अच्छा इसका प्रोसेसर है, गेमिंग टेमिंग चलता है। पर कभी आप भूल के भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 या 660 के साथ कंपेयर मत करो। साथ में जो सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको GPU मिलता है वो माली G71 MP2 GPU अच्छा है, पर Adreno 512 जैसा नहीं, Adreno 506 के जैसा नहीं, अच्छा है। ये था इसका कुछ कॉन्स। अब आप में से कितने प्रतिशत लोग मेरे साथ सहमत हो गए? मैं तो खरीदूंगा सैमसंग गैलेक्सी M20 को, अच्छा डिवाइस है सैमसंग के तरफ से, अगर कोई सैमसंग लवर है काफी अच्छा है। और सैमसंग का ये जो परिवर्तन ये भी होना चाहिए था, इतने दिन बाद हुआ, देर से हुआ पर दुरुस्त हुआ, काफी अच्छा है। पर वही कॉन्स तो कॉन्स रहता है, अगर आप फोन को खरीद लिए हो और उसके बाद देख रहे हो ये ऑप्शंस नहीं है,
आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का पैसा है, मेरा पैसा भी मेहनत का पैसा है। सब कुछ जान लो, देख लो, खरीद लो, क्योंकि हवा में मत चलो यार, इतना हाई फोड़ा है चलो खरीद लेता हूं, वो मत करो। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये फोन भी अच्छा है, पर ये अगर होता ही ये प्रॉब्लम्स नहीं होता तो अच्छा होता, और मैं अगर वीडियो को और लिंक ना करूं तो अच्छा होगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है, और एक एक्साइटिंग वीडियोस के साथ आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।